एक खबर आई, बहुत ही दुखद खबर आई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक पिता जो अपनी बेटी के बलात्कार के आरोपी को सजा दिलवाना चाहता था, ये बलात्कार का आरोप जिस पे लगा वो कोई और नहीं भाजपा का ही उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगा। शिकायत करने के बाद 3 अप्रैल को पिता की बुरी तरह पिटाई की गई भाजपा के इस विधायक के गुंडों द्वारा। उस पिता की जो अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा था, उसकी 3 अप्रैल को पिटाई हुई। कोई कार्रवाई 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक जब नहीं हुई, तो हमारी बेटी जो बलात्कार की शिकार है, वो बेटी उत्तर प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के घर के बाहर अपने परिवार के साथ आत्मदाह के लिए पहुंचती है। लगता है कि अब पुलिस जागेगी, अब सरकार जागेगी, मुख्यमंत्री जागेगा, बेटी बचाओ के नारे के तहत इस बेटी को और उसके परिवार को न्याय दिलाएगा, बिना ये देखते हुए कि बलात्कारी कौन है। लेकिन उल्टा होता यह है कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास से इस पूरे परिवार को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में जहां पर भाजपा के इस आरोपी बलात्कारी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को होना चाहिए था जेल में, उसकी जगह जिस बेटी का बलात्कार हुआ उसके पिता को जेल में डाल दिया, थाने में जो है वो कस्टडी में ले लिया। और आज 9 अप्रैल को पता लगता है कि पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है। आप देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। बेटी बचाओ के नारे के तहत एक पिता जिन्होंने नारा दिया, जो खुद इस नारे को जुमला साबित करने पर लगे हुए हैं, उन्हीं के नेताओं से हमें अपनी बेटियां बचाना मुश्किल हो रहा है। इससे पहले आपने चंडीगढ़ देखा, हरियाणा में भाजपा के अध्यक्ष का बेटा हमारी एक बेटी का पीछा करते हुए जेल गया। और ऐसे अनेकों हैं कि सत्ता के गरूर और लालच इसमें इनको लगता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ये हमारी बेटियों को यूं ही नोचते रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश की तमाम जनता से कहूंगी, लखनऊ उन्नाव को कहूंगी, जनता को, अगर आपका खून अभी भी नहीं खोलता अपनी बेटियों की इस हालत को देखकर, तो आपका खून नहीं वो पानी है। हम दिल्ली में बैठे हैं और मीडिया में भी इस पर पूरी उम्मीद कर रही हूं, जिस तरीके से अभी सार ने और सबने कहा है कि हम लोग इस पे जो है बेहद जरूरी हो चुका है कि चर्चा हो कि देश में हमारी बेटियों को, बाकी नहीं है, देश की बेटियों को नोचने वाले कोई और नहीं, देश के भीतर बैठे हुए भाजपा के ऐसे नेता हैं जिनका नाम कुलदीप सिंह सेंगर है, जिसे बचाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप कर रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री से, मैं आपसे कहूंगी योगी आदित्यनाथ जी, आपसे कहूंगी योगी आदित्यनाथ जी, शादी की होती तो पत्नी के रूप में ही एक औरत का सम्मान क्या होता है, शादी की होती योगी आदित्यनाथ जी तो आपकी भी बेटी अगर होती तो बेटी के साथ बलात्कार का दर्द क्या होता है उस पिता का, आप शायद समझ पाते जो आप नहीं समझ पा रहे। देश के प्रधानमंत्री जी, आपकी शादी हुई लेकिन दुख की बात है आप पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए, और अगर आपकी बेटी भी होती और उस बेटी के साथ भगवान न करते ऐसा जघन्य अपराध होता, तो उस पिता का दर्द शायद आप समझ पाते जो आज आप नहीं समझ पा रहे। सिर्फ वोट के लिए खोखले नारे सुनते सुनते कान पक गए इन 4 सालों में, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, अब तो ये हो गया है कि बेटी किसी और से, भाजपा के बलात्कारी नेताओं से बचाने की बात उठ रही है। अभी भी महाराष्ट्र में शिवाजी करके भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के विधायक महाराष्ट्र के नाम है शिवाजी, डबल मर्डर में अभी अरेस्ट हुए हैं। बहुत दबाव के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा के विधायक को महाराष्ट्र में अरेस्ट किया गया है। वहीं तेलंगाना से खबर आ रही है, एक बेटी के बच्ची के बलात्कारी को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला है। जब कानून
हमारी बेटियों को न्याय नहीं देगा, एक पिता अपनी बेटी के बचाने की गुहार लगाते लगाते मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप सत्ता में बैठी सरकार, जब कानून नहीं चलेगा तो यही होगा, लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, जैसे तेलंगाना में हुआ है। मासूम बच्ची के बलात्कारी के आरोपी को भीड़ ने पीट पीट के मार डाला है। अब देखना होगा कि अपने आप भाजपा के इस विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कितनी कड़ी सुरक्षा जेड सिक्योरिटी के अंदर कब तक जो है वो छुपा कर रखेंगे। पूरी उम्मीद करते कि आज शाम तक कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का उन्नाव से विधायक जिसपे बलात्कार के आरोप लगे, और हमें पूरा है कि उसके भाई, उसके गुंडों ने जो आज खबरें आ रही हैं, उसके पिता को पूरी तरह पीटा और उल्टा पुलिस ने इस बलात्कारी विधायक भाजपा के इसको डालने की बजाय उसके पिता को जेल में रखा, कल रात को अपनी हिरासत मिली, आज सुबह मौत होगी, संदिग्ध मौत। आप खौफ पैदा करना चाहते कि बेटी के बलात्कार पे खामोश रहे पिता और परिवार, आवाज मत उठाइए ये दिखाना चाहते हैं। अगर आवाज उठाएगा एक पिता अपनी बेटी के बलात्कारी को सजा दिलाने के लिए, तो उसका ये हर्ष होगा, ये साबित करना चाहते हैं आप? खून खोल रहा है हमारा देश की, उत्तर प्रदेश की सत्ता कानून व्यवस्था, इतना बड़ा बहुमत देकर देश और उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको शायद इसलिए नहीं सौंपी थी कि आप हमारी बेटियों का इस तरीके से बलात्कार करेंगे और उन्हें बचाएंगे, अपने अपराधियों को, अपने नेताओं को। आज खून खोल रहा है। मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने बेटियों के जो है वो सुरक्षा को लेकर। मन की बात में आप बेटी बचाओ का नारा, खोखला नारा देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने जारी की है रिपोर्ट, पढ़िए उस रिपोर्ट को। मुंह पे तमाचा है आपके, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के मुंह पे तमाचा है आपकी ही खुद की रिपोर्ट, जो बताती है कि बेटियों के साथ घटनाएं कम नहीं हुई, पिछले 4 सालों में बढ़ी हैं। क्या कर रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम मजहब के नाम पर, दलित मुस्लिम को के नाम पर क्या गंदी और नीच राजनीति कर रहे हैं आप? बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पिता को मौत के घाट उतार दिया, शर्म करिए, चुल्लू भर पानी में डूब भरिए योगी आदित्यनाथ जी, चुल्लू भर पानी में। शायद खुदा ने आपकी इसीलिए आपको ना बीवी दी और ना आपको बेटी दी, क्योंकि आप इस काबिल नहीं थे, आप इस काबिल नहीं थे कि आप अपनी बेटी को भी बचा पाते, इसलिए खुदा ने आपको बेटी नहीं दी। भगवान ने आपको, योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बद्दुआ निकल रही है आज। वो जो पिता चला गया अपनी बेटी के बलात्कारी को सजा दिलाने की मांग करते करते, जिसकी आपने हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया, बहुत बद्दुआएं निकलेंगी आपके लिए, बहुत बद्दुआएं उस मां की जो पीछे अपनी बेटी को लेकर अब न्याय की लड़ाई को पता नहीं लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी इस व्यवस्था में। वो पिता अपनी बेटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके बलात्कारी को सजा दिलाने की मांग करता करता जो है वो आज मौत के घाट उतार, बहुत बद्दुआएं और हाय ले रहे हैं आप। ये सारी हाय, सारी बद्दुआएं यही लोगों के सामने आपको भुगतनी पड़ेंगी, और माफी मांगेंगे, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, इतना दर्द आपको मुझे लगता है मिलने वाला है अगर आप इस तरीके से हमारी बेटियों के साथ अगर न्याय नहीं करेंगे। बलात्कार का आरोप किसी और पे नहीं, भाजपा के विधायक पर लगता है। बेटी योगी आदित्यनाथ जी आपके दरवाजे पर न्याय मांगने आई और आपने बेटी और उस परिवार को, उसके पिता को पुलिस के हवाले कर दिया, और सुबह तक उस पिता की मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में। उस थाने के जितने अधिकारी थे, वहां का जितना भी पुलिस प्रशासन था, एक एक इस मौत का जिम्मेदार है, जिसकी हिरासत में रात भर वो पिता रहा। मैं उत्तर प्रदेश, उन्नाव, लखनऊ के लोगों से कहूंगी, दिल्ली और देश आपकी तरफ देख रहा है, ये आपकी और हमारी बेटियां हैं जो सत्ता के इन दलालों की शिकार हो रही हैं। मैं आपसे कहूंगी, आवाज उठाइए, तेलंगाना वाला हाल ना हो, क्योंकि तेलंगाना में एक बेटी के बच्ची के बलात्कारी के आरोपी को कानून लोगों ने हाथ में लेकर जो है वो मार डाला है। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में ऐसी नौबत आ जाए कि एक पिता को, एक भाई को अपनी बेटी बलात्कारियों से बचाने के लिए कानून अपने हाथ में लेने पड़े। हम नहीं चाहते, हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं, कार्रवाई करिए, तुरंत गिरफ्तार करिए इस कुलदीप सिंह सेंगर को जिसपे आरोप लगे थे, जिसके आरोप में एक पिता को जो अपनी जान गंवानी पड़ी।
उस बलात्कार जिस बेटी के साथ वो उसके पास उसके ऊपर उसकी माँ उसके परिवार के ऊपर जो पीछे रह गया क्या गुजर रही होगी। खून नहीं खोलता आपका क्योंकि पानी हो चुका है योगी आदित्यनाथ जी, शर्म आती है, थूकती हूँ पर थूकती हूँ क्योंकि ये बेटी अपनी माँ और अपने बाप पिता के साथ आपके दरवाजे पर आई थी कि आपका बलात्कारी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका गैंगरेप किया है, पुलिस FIR नहीं कर रही, उसके पिता को पीटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ थूकती हूं आपके मुंह पर, लानत देती हूं आप पर कि उस बेटी को आपको जो घर के अंदर बुलाकर अपनी बेटी कहकर उसे न्याय का विश्वास दिलाना चाहिए था उसकी माँ उस पिता को, आज आपने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। योगी आदित्यनाथ लानत है आप पर, थूकती हूं आपके मुंह के ऊपर, यही नर्क यही स्वर्ग है। हाय लगेगी उस पिता की जो इस दुनिया में नहीं, और उस माँ की और उस बेटी की जिसका बलात्कार हुआ और आप अपने विधायक को बचा रहे हैं, आप अपने विधायक को बचा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब आदरणीय नहीं रहे, बेटियों का आप ही के राज में आप ही के विधायकों द्वारा बलात्कार हो रहा है, पिता गुहार लगाता लगाता उसे मौत के घाट उतार दिया आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, लानत है आपके ऊपर, खून खोल रहा है। मां हूं बेटी नहीं है, एक बेटा है लेकिन ऐसे संस्कार दिए हैं, और भगवान ना करे अगर ऐसी नौबत कभी भी आए, भगवान ना करे ऐसे संस्कार अपने बेटे को दिए हैं, अगर अगर ऐसी नौबत भी आ गई तो पहली मां होंगी जो खुद अपने बेटे को उस कर्म के लिए, उस कुकर्म के लिए, उस बेटी के बलात्कार के लिए खुद मौत दे दूंगी, खुद मौत दे दूंगी। लेकिन गर्व है, जिस कोख से जन्म दिया उस कोख पे मुझे गर्व है कि अपने बेटे को मैंने संस्कार दिए हैं। माँ बहन बेटियों को इज्जत की नजर से देखने पर उनकी उसके संस्कार सिखाए हैं कि किस तरह से, और गर्व करती हूं कि मेरा बेटा महिलाओं के लिए अपनी बेटियों के लिए इज्जत की नजर रखता है, उनके लिए अच्छी सोच रखता है, अच्छा नजरिया रखता है और उनके लिए बहुत सोचता है, उनको उनको मदद करता है मेरा बेटा, गर्व करती हूं। लानत है योगी आदित्यनाथ, भगवान का शुक्रिया करती हूं कि आपको बेटी नहीं दी क्योंकि आप अपनी बेटी को भी बलात्कार से बचा नहीं सकते थे, बेशक आज आप मुख्यमंत्री हो गए हैं, भगवान ने आपको एक बेटी नहीं दी तो ये सोचा आपको मुख्यमंत्री, और नरेंद्र मोदी जी आपको आपको पिता बनने का सौभाग्य नहीं दिया, लेकिन आपको प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को पिता बनने का सौभाग्य नहीं दिया, पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर आपको देश का प्रधानमंत्री बनाकर देश की बेटियों का एक पिता बनने का सौभाग्य दिया था, और आपने इन बेटियों के साथ धोखा किया, बेटी बचाओ आपने अपने खून खोल रहा है आप। मुझे नहीं मालूम मेरे इस वीडियो को देश दिल्ली कैसे लेगी, भाजपा के गुंडे कैसे लेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। 25 साल से राजनीति में हूं, राजनीति व्यवस्था बदलने के लिए है, मना करोड़ों अरबों कमा लिया होता हम लोगों ने भी, विदेशों के बैंकों में काला धन रख लिया होता हम लोगों ने, मर्जी गाड़ी रखी होती और पता नहीं कितनी जमीन जायदाद मेरी भी होती, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए 25 सालों से लड़ रहे, खासतौर से महिलाओं के प्रति जो है सोच और नजरिया बदलने के लिए। शर्म आती है, थूकती हूं आपके मुंह पर, कभी दलित कभी मुस्लिम कभी हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं, बेटियों के नाम पर, बेटी बचाओ के नाम पर, बेटी बचाओ अब की बार मोदी सरकार 4 साल में, लानत है, बेटियां नहीं बचाई जा रही आपसे। एक बार फिर भगवान का धन्यवाद करती हूं कि आप दोनों को पिता बनने का, कम से कम बेटी के पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि वो बेटी भी जब बलात्कार का शिकार होती तो आप जैसे नपुंसक पिता उसे बचा नहीं सकते थे।